हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कनिका। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है, कोई डिकोर टिप नहीं है, ये है मेरा आज का शॉपिंग हॉल जो मैं गई थी। एक मिनी सू करके एक जापानीज़ ब्रांड है, लाइक मार्केट 99, कहते हैं कि बहुत चीप प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मैं भी वहाँ गई, मैं गई थी मिनी सू जो कि है मॉल ऑफ इंडिया नोएडा में। तो वहाँ मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की। बट अब जब आप जाते हो मॉल में या मार्केट में या किसी भी पर्टिकुलर स्टोर में, तो आपका एक बजट होता है, राइट? और आपको कई बार होता है कि आपको कुछ लेना नहीं है, बट आप बहुत कुछ लेके आ जाते हैं। सो ये है मॉल ऑफ इंडिया का मिनी सू। मिनीसू जो ब्रांड है ये बहुत ही इकोनॉमिकल ब्रांड है और यहाँ पे डेली लाइफ प्रोडक्ट, हाउस होल्ड आइटम सारे मिलते हैं। काफ़ी अच्छी बैग्स की यहाँ पे वैरायटी है, इवन समर कैप्स, कुशंस और परफ्यूम, फ्रेगनेंसेस। ऐसा ही लोग कहते हैं कि इनका जो हेल्थ, ब्यूटी और फैशनेबल प्रोडक्ट हैं ये बहुत ही नेचुरल हैं। और यहाँ पे सीजनल काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, बैग्स, बेल्ट और डेली शॉपिंग बैग, स्लिंग बैग। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बैग्स की वैरायटी इनके पास अवेलेबल है, इवन छोटे छोटे कॉइन पाउचेस भी इनके पास हैं। सो जो मेरा पहला प्रोडक्ट है मुझे बहुत पसंद आया वो था ये टूथब्रश होल्डर। ये टूथब्रश होल्डर है जो कि आप अपनी वॉल पे चिपका सकते हैं और अपने टूथब्रश डाल दीजिए, ये आपके बाथरूम डेकोर का भी काम करेगा। और ये बहुत ही सुंदर पीस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक पर्टिकुलर बजट था, तो मैंने सोचा कि जब मैं पहली बार इन स्टोर में आई हूँ शॉपिंग करने, तो मुझे अपना बजट ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो मैंने अपना बजट जो रखा वो था 150 रुपीज़। तो ये भी है 150 रुपीज़ का और ये है टू सुपरमैन टूथब्रश होल्डर जो कि मुझे पड़े 150 रुपीज़ में। सो नेक्स्ट आइटम पे आते हैं। नेक्स्ट आइटम मैंने लिया ये वी फ्रूट हुक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रूट हुक्स हैं, बहुत ही प्रिटी हैं ये। मैं अपने किचन डेकोर में इनका यूज़ करने वाली हूँ। जैसे कि आपने देखा ही है कि मुझे डेकोरेशन काफ़ी पसंद है, तो इनका मैं यूज़ वहीं करूँगी। और ये जो हुक्स हैं ये आपको मार्केट 99 में भी मिल जाएंगे, बट ये काफ़ी डेकोरेटिव है। इस प्रकार का स्टफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। और ये मैग्नेटिक, जो आप अपने फ्रिज मैग्नेट्स यूज़ करते हैं उसी टाइप से ही कुछ बनाया हुआ है। ये एक पीस मुझे 150 का मिल रहा था ऑनलाइन जब मैंने अमेजन पे चेक किया, और मुझे मिल रहे हैं 3 पीस। तो ये काफ़ी अच्छी डील है और ये भी मुझे मिला है 150 रुपीज़ में। सो इसके काफ़ी यूज़ पूरे इंग्लिश में आपके जो टिप्स हैं वो मेंशन किए हैं इन्होंने, तो आप भी ये ले सकते हैं। सो आगे चलते हैं। तो थर्ड जो मेरी चीज़ है वो मैंने ली है मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रशेस में 5 मेकअप ब्रशेज़ हैं और जो ये होल्डर्स हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, इनके साथ ये चेंजेबल हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो इनका है। और इसमें आईलाइनर, आई शेडो और सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसकी भी कॉस्ट 150 रुपीज़ है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा वहाँ पे। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है पोर्टेबल मिनी पिल बॉक्स। सो इसमें आप पिल बॉक्स तो आप है ही, लेकिन आप इसमें अपने ईयरिंग्स भी स्टोर कर सकते हैं, आपके पास कुछ बैटरीज होते हैं आप वो भी स्टोर कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा स्टोरेज होता है इसका। जो ऊपर का लिड है ये अनब्रेकेबल है और इसका प्लास्टिक काफ़ी अच्छा है और इसकी कॉस्ट है 75 रुपीज़। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने लिया है ये कलर स्टे लिपस्टिक। ये बहुत ही अच्छा शेड है, इसका जो शेड है ये है नेचुरल रेड। और वहाँ पे काफ़ी गर्ल्स इसको परचेज़ कर रही थी, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसको परचेज़ किया जाए और देखा जाए। तो ये बहुत ही नेचुरल लग रहा है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये इसका जो लुक आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है और आई थिंक ये स्टे करेगा, तभी ये बहुत सारी गर्ल्स परचेज़ कर रही हैं। और इसकी भी कीमत जो है वो आप 150 रुपीज़ है। सो आई वुड से कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाके। वहाँ आपको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अवेलेबल हैं, लाइक यूएसबी केबल्स, लाइक फ़ोन चार्जर्स, आप फ़ोन का बैक पोर्शन जो होता है फ़ोन के लिए, फ़ोन केसेस, बहुत ही प्रिटी फ़ोन केसेस हैं, पर्सेस अवेलेबल हैं, कॉइन बॉक्स अवेलेबल है। आपको जो लेना है वहाँ पे अच्छा, एक अच्छी क्वालिटी वाइज एक अच्छे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो ये था मेरा मिनी सू हॉल। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching.